नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 5 लिंग मीन्स जेंडर। ये राजन का परिवार है। उनसे दादा दादी चाचा चाची मिलने आए हैं। माता पिता और भाई बहन सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये बच्चा है राजन है, ये उसकी फैमिली है। वो उसके उसमें बहुत सारे लोग, उसके दादा दादी चाचा चाची और ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं वो सारे मिलने आए हैं। लिंग आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग होता है जेंडर, मीन्स कि जो दो तरह के लोग, जो जिस शब्द से, मतलब स्त्री और पुरुष जाति होने का, जैसे एक लड़का और एक लड़की, वो क्या हुए, ये लड़का और लड़की दोनों, लड़की हुई स्त्रीलिंग और लड़का हुआ पुल्लिंग। तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में। तो ये अभी यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से यही बताने की कोशिश हो रही है कि उसके दादा दादी चाचा चाची, इसमें देखिए दोनों लिंगों का प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे दादा दादी बोल रहे तो दादा आपका पुल्लिंग हो गए, दादी स्त्रीलिंग हो गई, चाचा चाची इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, भाई बहन स्त्रीलिंग पुल्लिंग और माता पिता, ये भी दोनों शब्द ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। इसको हम शब्दों को किस तरह से पहचानते हैं कि ये कौन सा लिंग के हैं, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो अभी आपको रंगीन शब्दों को लिखे, जो ये यहाँ पर ब्लू कलर के आपके दादा दादी चाचा चाची ये जो लिखा हुआ है, इन शब्दों को, ये चारों शब्दों को यहाँ पर आप लिखेंगे। आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि चाची, दादी, बहन और माता, इन शब्दों से हमें क्या बोध होता है, ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग है, मतलब कि ये स्त्री से संबंधित है, ये जो है स्त्रियां हैं। और दादा चाचा भाई पिता, ये क्या बता रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनको बताने से ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है, अर्थात ये लोग पुरुष होंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब यही बताने की कोशिश हो रही है कि शब्द बताते हैं कि कौन सा जो है किस जाति का है, स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का शब्द है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे भाई उपहार लाया है, बहन राखी लाई है। तो इसमें पहली बात तो आपका संज्ञा क्या है, भाई, और क्रिया क्या है, लाया। तो भाई अगर हमने शब्द लिखा तो वो वाक्य लिखते समय उसकी जो क्रिया है वो भी बदल गई यहाँ पे कि भाई उपहार लाया। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो वाक्य है पुल्लिंग जाति का वाक्य है। बहन राखी लाई, अब बहन चूंकि स्त्री जाति की से संबंध रखते हुए शब्द है, तो इसके लिए जो क्रिया है वो हमने क्या लगाया, लाई। अगर यहाँ पर पुल्लिंग होता तो हम लगाते लाया। अब बहन के साथ अगर हम लाया लगा देंगे तो क्रिया गलत हो जाएगी। अगर स्त्रीलिंग संबंधित शब्द है संज्ञा का, तो हमको उसका ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी क्रिया को भी बदलना पड़ेगा, तभी वो हमारा वाक्य सही होगा। जैसे अन्य उदाहरण में राजा रानी, नाना नानी, लेखक लेखिका, शेर शेरनी आदि। अब लिंग के भेद, स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद हैं, का पुल्लिंग तथा ख स्त्रीलिंग। का पुल्लिंग, अब जैसे कि रोहन के पिता घोड़ा दौड़ा रहे हैं, इन वाक्यों में घोड़ा तथा पिता शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अब जैसे जो शब्द संज्ञा है, संज्ञा कौन से शब्द है, रोहन, घोड़ा, पिता, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो इनसे जो क्या पता चल रहा है, ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये पुल्लिंग, ये पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही पुल्लिंग कहते हैं। आप शब्द देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये स्त्री संबंधित शब्द है या पुरुष संबंधित। अन्य उदाहरण, पिता,
नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। अब जैसे विशेष, जैसे दिनों, महीनों, पहाड़ों, पेड़ों, देशों, राज्यों, समुद्रों, ग्रहों, पृथ्वी को छोड़कर आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे अगर दिनों के, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये शब्द अगर आते हैं तो ये किस जाति के शब्द हैं? पुल्लिंग। महीने के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी पुल्लिंग शब्द है। पहाड़ के नाम, जैसे आपने पहाड़ों, बहुत से पहाड़ों के नाम सुने होंगे, जैसे हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, ये अगर पहाड़ों के नाम हैं तो ये भी पुल्लिंग ही नाम होते हैं। और पेड़ों के नाम, जैसे बरगद, नीम, केला, पेड़ों के, इमली को छोड़कर, इमली का जो पेड़ है उसको छोड़कर जितने भी पेड़ों के नाम हैं वो पुरुष जाति के का बोध कराते हैं। देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये भी पुरुष जाति से संबंधित है। राज्यों के नाम, राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये भी सब क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो ये पुल्लिंग हुए। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सारे क्या हैं? ये जो समुद्र के नाम, वो भी पुल्लिंग हो गए। ग्रहों के नाम, जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, आपने ग्रहों के नाम सुने होंगे। सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये शब्द स्त्रीलिंग है, और बाकी जो ग्रहों के नाम है वो सारे के सारे पुल्लिंग है। तो अगर यहाँ पर भी इन शब्दों का प्रयोग करना होगा आपको, तो उसके वो शब्द पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं, तो उसकी क्रिया को आपको बदलना होगा, तभी वो वाक्य आपका सही होगा। जैसे कुछ शब्द में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वो जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार के रहते हैं, लेकिन अगर हमको उनको स्त्रीलिंग का बोध कराना है या पुल्लिंग का, तो हमें उसके आगे नर या मादा लगाना पड़ेगा। जैसे खरगोश शब्द है, वो अपने आप में, अब अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो खरगोशनी तो आपने नहीं सुना होगा। आप चाहे स्त्रीलिंग होगी चाहे वो पुल्लिंग होगा, आपको खरगोश ही बोलना पड़ेगा, तो उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा नर। अगर पुल्लिंग है तो नर खरगोश, और स्त्रीलिंग है तो मादा खरगोश। इसी प्रकार कौवा, कौवा एक ऐसा शब्द है जो आपको बोलने में, लिखने में कौवा पुल्लिंग लगता है, लेकिन आपको अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो कौवी नहीं बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे मादा कौवा, नर कौवा। तो उसके आगे हमको अगर स्त्री और पुल्लिंग शब्द को लगाना है, तो हमको जब खरगोश लिखेंगे, अगर नर है तो उसकी क्रिया बदलेंगे और नर आगे लिखेंगे, और अगर मादा है, स्त्रीलिंग है, तो उसके आगे मादा लिखेंगे और उसकी क्रिया बदल देंगे, तभी वो वाक्य आपका सही होगा और आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराएगा। जिस शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा ना आता है, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, अब इसके पीछे क्या आया? आ, तो क्या हो गया? ये देखिए, आ हुआ तो लड़का, ये पुल्लिंग हो गया। जैसे बचपन, इसके पीछे आया पन, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। बुढ़ापा, पा आया तो ये भी पुल्लिंग हो गया। गायक, यक मतलब अक आया लास्ट में, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। और लेन देन, पीछे क्या आपके आया? ना और ना, तो ये भी पुल्लिंग शब्द हो गए। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। अब ये अगर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आपको इसकी क्रिया बदलनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ये हमेशा जिस प्रकार के शब्द हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता, वो उसी तरह लिखे जाते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पक्षी, पशु, पशु, मच्छर, खरगोश, पानी, कोयला, ये भी इसी प्रकार लिखे जाते हैं, और इनके भी, इनका अगर वाक्य बनाते समय इनकी भी क्रिया को बदलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।